बॉलीवुड होवे और नेपोटिज्म शब्द की वरतों ना होवे कदे हो ही नहीं सकता। सो बहुत ज़्यादा चर्चावां का विषय बनया सी कि आखिर है की है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म है कि अगर कोई कलाकार एक्टर है तो उसका बच्चा उसकी सपोर्ट के नाल इंडस्ट्री के विच जरूर पैर रख के एक्टर जल्दी बन सकता है और उसनों कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है, किसी के तरले मिनता करने की जरूरत नहीं है। कोई टैलेंट होवे एक्टिंग का ना होवे पर उसका बच्चा एक्टर बन सकता है अगर वो चाहे। सो अज इस बिल्कुल ऑपोजिट असी गल करनी उन्होंने कलाकारा के बच्चों की जोड़े बिल्कुल भी एक्टिंग के इंट्रस्ट ना रख के होर कित्यां दे विच जा चुके ने ते तुसी सुन के हैरान हो जावोगे। सब तो पहला बॉलीवुड इंडस्ट्री दे किंग खान यानी कि शाहरुख खान उन्हां दा बेटा आर्यन खान जो कि शाहरुख खान की हूबहू कॉपी है उसनूं अगर चाहिए तो इंडस्ट्री दे विच शाहरुख खान की तरह बहुत सुपर डुपर हिट फिल्मां दिंदे हुए देख सकते हैं। पर आर्यन खान बिल्कुल भी एक्टिंग दे विच इंट्रस्ट नहीं रखता। आर्यन खान होर प्रोफेशन यानी कि उसनूं डायरेक्शन दे विच जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आर्यन खान ने पर्दे के पिछे बहुत काम किया है तो कई फिल्मों के एज अ असिस्टेंट डायरैक्टर काम भी किया है। हालांकि कदे भी शाहरुख खान ने भी फोर्स नहीं किया कि तू एक्टिंग दे विच जा और ना ही आर्यन खान कदे एक्टिंग दे विच जाना चाहते सी ना ही वो तुहानू कदे अदाकारी करते नजर आएंगे। हालांकि बचपन के भावें कोई किरदार किया होवे ना होवे लेकिन हुण आर्यन खान बिल्कुल भी अदाकारी दे विच दिलचस्पी नहीं रखते। अज बहुत सारे कलाकारों के बच्चों के बारे असीं गल करनी है। इस तों बाद असीं गल करांगे सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम खान की। इब्राहिम खान जो कि सैफ अली खान की हूबहू कॉपी है उन्ना ही ज़्यादा स्मार्ट है चाहे तो इंडस्ट्री के धक्का पा सकता है। इब्राहिम अली खान भी जो है बिल्कुल भी इंडस्ट्री के एक्टिंग करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है। इब्राहिम खान की गल कर लिए तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के उसने एज असिस्टेंट डायरैक्टर काम किया है और ये भी जो है डायरैक्शन के तुहानू आने वाले समय के नज़र आएंगे। एज अ डायरैक्टर असी इन दो खानस के बेटियां फिल्मों के डायरैक्शन करते हुए देखा। सो इस तो बाद गल कर लेना न्यासा देवगन यानी कि अजय देवगन और काजल देवगन की बेटी न्यासा देवगन जो कि बिल्कुल भी इंट्रस्ट नहीं रखती एक्टिंग करियर के और न्यासा दे जो चेंजेस तुसी देखे ने कि न्यासा इन्नी डार्क और अगर होने वाली तस्वीर उसकी तुसी देखो तो बहुत ज़्यादा फेयर कलर यानी कि उही बोटॉक्स और स्किन वाइटनिंग के ट्रीटमेंट्स करा के न्यासा भी अजकल चमकी दमकी नज़र आती है और बॉलीवुड के उसनू जिते मर्जी देख लो वह हमेशा लाइमलाइट के रहती है। सो न्यासा भी बिल्कुल भी एक्टिंग करियर के इंट्रस्टिड नहीं है। इस तो बाद गल करेंगे इरा खान की यानी कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी इरा खान जो कि बिल्कुल भी एक्टिंग करियर के नहीं जाना चाहती। हालांकि उसने विआह भी करवाया है तो बहुत कॉमन इंसान के नाल यानी कि अपने ट्रेनर के नाल विआह करा के अपनी जिंदगी बतीत कर रही है और डायरेक्शन के ही इंट्रस्टिड है। और सब तो वड्डी गल है कि कलाकारों के बच्चे एक्टिंग ना करके डायरेक्शन के ज़्यादा इंट्रस्टिड ने। सो इन्होंने एक दो जो है ड्रामास भी डायरैक्ट किए ने, वैब सीरीज़ भी डायरैक्ट की ने जिन्हों के हेज़ल यानी कि युवराज की वाइफ हेज़ल ने काम किया। सो इरा खान भी जो है डायरेक्शन के नज़र आएगी। इस तो बाद जैमी लिवर जिमें कि जॉनी लिवर की बेटी जिस तरह असं पहला भी गल की है कि कॉमेडी तक पाँदी हुई नज़र आ रही है एक्टिंग दूर दूर तक नहीं। हालांकि मिमिक्री करती है वो भी एक अदाकारी का ही पार्ट है मिमिक्री और कॉमेडी करती हुई जैमी लिवर नज़र आती है। और इस तो बाद आरव कुमार यानी कि अक्षय कुमार का बेटा आरव कुमार। आरव कुमार की असं गल करेंगे आरव जो ने वो भी फैशन डिजाइनिंग के इंट्रस्टड ने और बहुत अच्छे नामी फैशन डिजाइनर बन चुके हैं और मार्शल की ट्रेनिंग उन्होंने कर ली है। जिस तरह असी अक्षय कुमार को देखे कि मार्शल आर्ट करते हैं मार्शल की उन्होंने भी ट्रेनिंग लैके कई मुकाम हासिल किए हैं। इस तरह ये भी गोल्ड मैडलिस्ट ने आरव कुमार। सो हुण गल करांगे मसावा गुप्ता की नीना गुप्ता की बेटी। ये भी बिल्कुल भी इंट्रस्टड नहीं है एक्टिंग के विच इसलिए भी अपना जो प्रोफेशन है वह होर कोई फैशन डिजाइनिंग या फिर डायरेक्शन ही चूज़ किया है। इनू भी कोई दूर दूर तक एक्टिंग के विच इंट्रस्ट नहीं है। नेपोटिज्म की बहुत वड्डी एग्जाम्पल है जो अज असीं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। इस तों बाद शहीन भट्ट। शहीन भट्ट वह है जिसनों पहचान की जरूरत नहीं यानी कि आलिया भट्ट और पूजा भट्ट की बहन जिसनों इंडस्ट्री के बहुत प्यार मिले। हालांकि यह दोनों भैनों के नालों थोड़ी जी डार्क कलर की होने करके कई बार डिप्रैशन च भी रही। 13 साल की उम्र के इसने डिप्रैशन की एड्डी वड्डी बीमारी झेली जिस तों बाद हुण डायरैक्शन दे विच ही है सेम एज इट इज़। जिस तरह तुहानू पहले कलाकारों के बच्चों के बारे दस्या कि सारे डायरैक्शन के विच ही ने ते इसने भी राज और जिस्म 2 वर्गियां फिल्मों असिस्ट किया। सो ये कलाकार वो ने जिन्हों के बच्चे बिल्कुल भी अदाकारी की लाइन च ना जाके हालांकि अदाकारी खून च है पर वह डायरैक्ट करना चाहते हैं उन्होंने अदाकारा जो स्क्रीन के अगे कैमरे के अगे काम करना चाहते हैं। सो एज अ डायरैक्टर्स यानी कि अपनी इंडस्ट्री के आने वाले होर भी बहुत सारे नवे डायरैक्टर्स जो ने हूँ नाम तुहाडे झोली पैणगे। तो जिस तरह तुहानू मैं दस के हटी हाँ कि जड़े जड़े इंडस्ट्री के खानज ने फेमस परसनैलिटीज़ उन्होंने बच्चे ही अदाकारी के नहीं जा रहे। इस तो वड्डी एग्जाम्पल की हो सकती है। सो फिलहाल मैं दो इजाजत कैमरामैन गणेश के नाल मनप्रीत खुल्लर दैनिक सवेरा टीवी चंडीगढ़।